आरबीएम न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लेकर चलूंगा दिल्ली के रोहिणी में, जहां अखिल भारतीय मध्यदेशीय बहस सभा दिल्ली प्रदेश की ओर से एक वैवाहिक परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से विवाह योग युवक युवतियों ने भाग लिया। करीब 300 युवक युवतियों का रजिस्ट्रेशन हुआ, जिसमें काफ़ी एक दूसरे से परिचय हुआ। तो आइए, मैं सुरेंद्र प्रताप आपको लेकर चलता हूँ। 236 दिव्य ज्योति अपार्टमेंट, रोहिणी सेक्टर 19, फ्लैट नंबर 236 दिव्य ज्योति अपार्टमेंट, रोहिणी सेक्टर 19, न्यू दिल्ली 85। इनका मोबाइल नंबर है 9771499684 9771499684। तो ये इनका मोबाइल नंबर हुआ। दूसरा मोबाइल नंबर है 8119845725। ये एक्चुअली मूलतः हम लोग शाहपुर पटोरी समस्तीपुर के रहने वाले हैं। इनके फादर शाहपुर पटोरी समस्तीपुर बिहार के, लेकिन ये लोग अभी मणिपुर इम्फाल में रह रहे हैं सभी लोग। और लड़की ने यहीं पे जॉब है इनका, न्यू दिल्ली में जॉब है, जोडिया कंपनी में एचआर मैनेजर है। थैंक यू। मैं रविंद्र कुमार, अखिल भारतीय मध्यदेशीय बहस सभा से मैं विगत आपको 17 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। हमारे समाज के लोग भारतवर्ष के प्रत्येक क्षेत्रों में फैले हुए हैं, और आज की सबसे जटिल समस्या वैवाहिक को लेकर करके हम लोग दिल्ली में 12 साल से आपको वैवाहिक परिचय सम्मेलन, जो कि समय का एक मांग है, और समाज में दहेज अन्य कुरीतियों को समाप्त करने के लिए ये कार्यक्रम हम लोग आयोजित करते आ रहे हैं। और ये नियत 25 दिसंबर को ये हर वर्ष आपको होते आ रहा है, जिसमें भारतवर्ष के कोने कोने से लोग आते हैं और अपने बच्चों का परिचय आपको देते हैं, और एक दूसरे का आदान प्रदान और शादी विवाह की जो भी आपको समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं के निदान के लिए ये कार्यक्रम हमारा सफलीभूत है। 38,000 रुपया पर मंथ सैलरी आपकी। फादर्स नेम ओम प्रकाश गुप्ता, गड़ीनार बाबा की 35 नंबर सीरियल है, और आपका एड्रेस है DDA फ्लैट नंबर 64B गाजीपुर दिल्ली 96। आपका मोबाइल नंबर 9718281289। संदीप गुप्ता जी, पिताजी का नाम ओम प्रकाश गुप्ता, आपका डेट ऑफ बर्थ 26/6/1990, आपका हाइट 5 फुट। मेरा नाम संजय सागर है, और आज हम अखिल भारतीय मध्यदेशीय बहस सभा दिल्ली प्रदेश द्वारा आयोजित 13वां वैवाहिक परिचय सम्मेलन में शामिल हैं, और समाज के हमारे जो बच्चे हैं उनके वैवाहिक के लिए जो ये आयोजन हुआ है, बहुत ही सफल आयोजन है, और लगभग करीब 500 से ऊपर परिवार इस आयोजन में शामिल हैं। कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है इसमें? इसमें अभी तक करीब आपको 500 के आसपास रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और एक दूसरे से संपर्क साधने में, रिश्ता बनाने में एक बहुत ही क्रांतिकारी भूमिका अदा करेगा। इसके साथ इसी के साथ मैं फिर से CP शाह जी, सुभाष गुप्ता जी, उनके नेतृत्व में तमाम जो मधेसिया समाज है उनको मैं बधाई देता हूँ। और आज जो स्वजाति बंधु जहाँ कहीं से भी आए हैं इसमें भाग लेने के लिए, वो जिस उद्देश्य से आए हैं वो अपने उद्देश्य में सफल हो, इसी के साथ मैं अपना। सुभाष कुमार गुप्ता, अखिल भारतीय मध्यदेशीय बहस सभा दिल्ली प्रदेश महामारती के रूप में कार्यरत काम कर रहा हूँ। अपने वैवाहिक परिचय सम्मेलन हमारा 13वां है, जो कि आजकल जो जटिल समस्या बन चुका है, लड़का लड़की का विवाह
आपस में करने के लिए, उसके लिए हम लोग 13-12 साल से विवाहिक पर्चे सम्मेलन करते हुए 13वां विवाहिक पर्चे सम्मेलन इस बार कर रहे हैं। कितने लोग भाग लिए इसमें? इसमें अभी तक 2000 के आसपास भाग ले चुके हैं और कम से कम 300-350 बायोडाटा आ गए हुए हैं। कहाँ कहाँ से लोग भाग लेते हैं इसमें? इसमें अपना बिहार और दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा और NCR और अपना इंडिया से बाहर भी, सिंगापुर और मलेशिया वगैरह से जो है ना। अनुप्रिया कुमार, बंसीधर प्रसाद अगर हैं तो आ जाएं। MA पॉलिटिकल साइंस, PhD नेट क्वालिफाइड है, टीचिंग इन पटना यूनिवर्सिटी और नॉन मांगलिक है, गणेश जी का इनका पूजा है। एड्रेस 201 पशुपति पैलेस परमानंद, पथ बोरिंग रोड पटना। ब्रज गुप्ता, मैं 2 दिन पहले इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए इंडिया आया सुरेंद्र प्रताप जी के आमंत्रण पर, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि समाज के एक अपने वर्ग के लोग काफ़ी सक्रिय हैं और समाज के कल्याण हेतु संगठित होकर इस कार्य में अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। माय बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू, थैंक यू। राहुल नगर, दिल्ली 94। हीरालाल बाबू का मैं नंबर बता दूं, 9868860790। तो अजय कुमार साह, शंकर प्रसाद साह, माता जी आई, अजय की माँ यहाँ पर मौजूद है, माता जी इनको बहु चाहिए। डेट ऑफ बर्थ इनका है 26 अप्रैल 1985, 32 वर्षीय हैं। और बांका पूर्णिमा कुमारी 5 सितंबर जाने लक्ष्य है, क्या आए हुए हैं क्या अजय? अगर अजय आए हैं तो एक बार मंच पर आ जाए। मैं राम बिहारी गुप्ता, मैं रिटायर्ड ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ, रिटायर्ड फ्रॉम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। मैं यहाँ इस प्रोग्राम में आया और आगे बहुत अच्छा लगा कि इस तरह के समाज सेवा के प्रोग्राम जो है ऐसे होते रहने चाहिए, और इसके लिए इसके आयोजकों को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। के हम तारी गणनाथ सभा आया ये पुजारी, शिव के हम तारी गणनाथ सभा आया ये पुजारी, आया ये पुजारी हाँ पन के भिखारी, आया ये पुजारी हाँ पन के भिखारी। मैं कन्हैया प्रसाद गुप्ता कलवैया सेवाश्रम आश्रम का स्वागत अध्यक्ष हूँ, और मेरा विजन है कि जो पलवैया धाम है जहाँ पर बाबा गणिनाथ ने अपना जो भी है तप बल जो भी किया राज किया, वहाँ पर उनका जो समाधि स्थल है, वहाँ पर जो मंदिर था वो गंगा के कटाव में 2 बार बह गया। अब वहाँ पर मंदिर नहीं होने के कारण पूरा मधेशिया वैश्य समाज चाहता है कि एक भव्य मंदिर का निर्माण हो, और उस मंदिर निर्माण के लिए मैं पूरे अपने समाज से, अपने पूरे मधेशिया समाज से, कानू समाज से विनम्र विनती करता हूँ कि वो लोग बढ़ चढ़ कर आगे आए और पलवैया धाम में हम बाबा गणिनाथ जी का एक भव्य मंदिर का निर्माण करें। हाँ, बोलिए। हरे कृष्णा राधे राधे, जोर से जय गणिनाथ बाबा की जय। और हम यहाँ आए हैं वैवाहिक परिचय में,
और बहुत अच्छा लग रहा है सब लोगों से मिलके, और समाज कितना ऊंचा उठ रहा है इसका भी पता चलता है, और आपस में एक दूसरे लड़के लड़कियों के पेरेंट्स भी परेशान नहीं होते, वो उनको भी एक दूसरे से इंट्रोडक्शन का मिल जाता है ईजिली। शिव के हो तुम अवतारी, गणनाथ बाबा आया ये पुजारी, आया ये पुजारी हाँ बन के भिखारी, आया ये पुजारी हाँ बन के भिखारी, महिमा तेरी बड़ी न्यारी, गणनाथ बाबा आया ये पुजारी, महिमा तेरी बड़ी न्यारी, गणनाथ बाबा आया ये पुजारी।